मॉडलिंग से हुई और कई किताबों से उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो भारत से विदेश तक की जर्नी कैसी रही, कितनी कठिनाइयां और कितनी अच्छाइयां इनके बीच देखने को मिली, इन सभी बातों को आज लोगों तक पहुंचाने के लिए नदीम अहमद बने लेखक। जी हाँ, डूमर इन दुबई बुक को लॉन्च किया। इस बुक के माध्यम से नदीम अहमद किस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए मुंबई से हमारी खास बातचीत का परिचय। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, मेरा नाम नदीम अहमद है और इनिशियली मैं यूके से हूँ और अभी इंडिया में मुंबई में, एंड मैं राइटर हूँ, मॉडल हूँ, एंकर। ये प्रोजेक्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मेरे लिए है, मेरी बुक के बारे में है, धूम धिन दुबई, जो बहुत बड़ा जिसका हिस्सा बन गया है मेरे लाइफ का। तो ये बुक है मेरी जर्नी के बारे में और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे बारे में, ट्रैवल करने, अगर आपको ट्रैवल करना है तो उसके बारे में भी, और किस तरह अपनी सेफ्टी के बारे में आपको सोचना पड़ता है जब आप किधर भी आउट, अगर आप आउट ऑफ अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे या अपने कंट्री से, तो क्या आपको करना चाहिए है अपने देखभाल के। बुक का नाम क्या है, इसका नाम यही क्यों रखा आपने? यही क्योंकि आई मीन ऑब्वियसली चॉइसेस तो काफ़ी थी, लेकिन जब इंसान कोई बुक टाइटल को देखता है ना या सुनता है, तो उस बुक टाइटल से इंसान को थोड़ा फीलिंग हो जाना चाहिए। अगर या आप रीडर हो या ऑथर या कुछ भी हो, आपको थोड़ी सी फीलिंग होनी चाहिए, और जैसे ये वर्ड्स मेरे कान में बज रहे थे ना, तो मुझे इस तरह की फीलिंग हुई थी कि यही होना पड़ेगा बुक का टाइटल, ठीक है। एकदम से कनेक्शन बिल्ड हो गया था और वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया था कि यही होना चाहिए है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये समराइज करता है कि बुक किस चीज़ के बारे में। स्ट्रगल्स तो बहुत ही थी, लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर आप मेरी बुक पढ़ें, वहाँ से आप बहुत ही कुछ सीख लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली लेसन सीखते हैं कि लाइफ में कि किस तरह आपको रहना चाहिए, अपनी हिफाजत किस तरह करनी चाहिए अगर आप फॉरेन एरियाज में हो या टेरिटरीज में हो, और अपना कॉन्फिडेंस किस तरह बढ़ाते हैं, और लाइफ में क्या हो सकता है, और अगर कुछ हो तो किस तरह आपको हैंडल करना चाहिए। आप दुबई बेस हैं? मेरी जर्नी है तो कि दुबई का डेस्टिनेशन किस तरह चूज़ हुआ था इनिशियली, और तो बुक है कि मेरी जर्नी दुबई जाने से पहले, जब भी मैं मॉडलिंग कर रहा था, और फिर वहाँ पहुँचने से क्या मैं कर रहा था, और फिर इस सिचुएशन में भी क्या हुआ था, तो ये बुक डिटेल में बताती कि क्या सिचुएशन थी और किस तरह मुझे डील करना चाहिए इसके बारे में। और फिर जो पोस्ट ड्रामा भी होता ना, जब भी कुछ हादसा होता इंसान के साथ, तो वो पोस्ट ड्रामा के डिटेल्स भी दिखाते और किस तरह इंसान चेंज होता है सिचुएशंस के साथ, और या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कि जो चेंजिंग किस तरह होती है और किस तरह हैंडल करना चाहिए। तो ए टू जेड है जो मेरा जर्नी इस सिचुएशन के साथ हुआ ना, गुड और बैड, उस वो बुक में कवर किया। सिचुएशंस होती हैं हम इस तरह के, क्या बात है, टाइम में रह रहे हैं कि सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए, और क्योंकि ये सिचुएशन है ऑब्वियसली हाई इम्पैक्ट हुआ था मेरे लाइफ में, और इम्पोर्टेंट था मेरे लिखने के, दूसरों को एजुकेट करने के, क्या हो सकता है अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे और अपने सेफ्टी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो अगर ऑब्वियसली एक इंसान भी अगर मेरे बुक पढ़ के थोड़ा नॉलेज ले लेंगे उससे, तो मेरे फिर बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं खाने पीने का बहुत ही शौकीन हूँ, तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ऑब्वियसली शौक है, और मैं कभी दुबई गया नहीं था, तो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैकडोनल्ड्स, KFC, मुझे पता इस तरह के प्लेसेस है खाने के लिए जो UK में सच इतना खा नहीं सकता, क्योंकि डाइटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से, और सिर्फ ये कि ये दुबई इस तरह जगह है ना जो डिफरेंटली परसीव हो सकता है, क्योंकि मेरा परसेप्शन दुबई से जिस तरह है कि हेवन ऑन अर्थ, इस तरह इसकी परसेप्शन इस तरह लोग देते हैं, तो मुझे खुद अपने लिए सोचना था और देखना था कि ये सचमुच इस तरह की चीज़ है। तो वहाँ का वेदर मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि मुझे हीट ज़्यादा पसंद है कोल्ड से, यूके में कोल्ड काफ़ी रहता है, तो हीट पुलिंग पॉइंट था मेरे लिए बिल्कुल। और अरबिक कल्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो काफ़ी वाइब्रेंट है, तो वो भी सीखना था मैंने, तो वो भी देख। ऑब्वियसली जब भी इंसान इस सिचुएशन में जाता है तो फिर डिफ़िकल्टीज तो होती है, तो जब भी इंसान को अपने आप को पहले देखना पड़ता है, और यू नो कि एबिलिटीज़ क्या है, सिचुएशन क्या है, तो यू नो ये इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि इनर स्ट्रेंथ कितनी है, और देख के तो टाइम से इंसान की कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होती है, हेल्थ भी बिल्ड होती है, तो ये सब चीज़ें ना कंसिड्रेशन में लेनी पड़ती है, फिर देखते हैं कि फिर देखना अपने आप को इवेल्यूएट करना पड़ता है कि
कि आप रेडी हो करने के लिए या नहीं. दोनों में रीजन मुंबई तो मेरी रूट्स है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मुंबई आके तो इस तरह फील होता है कि मैं घर आ गया हूँ. और इस तरह जब भी मुंबई या किधर भी इंडिया में आता ना, तो इस तरह फील होता है कि मैं अवे नहीं हूँ घर से, घर से घर आया हूँ. तो यहाँ पे मुझे बहुत शांत मिलती है और बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वेदर भी अमेजिंग है, खाना यहाँ पे परफेक्ट है और सारा एम्बियंस परफेक्ट है मेरे लिए. तो और क्या चीज़.